हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं नर्सरी में। नर्सरी में लेके आए हैं मतलब फूलों के सीजन में लेके आए हैं। अब सर्दियाँ आ चुकी है, सर्दियाँ का मतलब फूलों पे बहार आ चुकी है। अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ सीजनल पौधों के बारे में। ये मेरे हाथ में है पिटूनिया, इसका नाम पिटूनिया है और ये पौधा सर्दी में बहुत ब्लूम करता है। आप चाहे तो इसे हैंगिंग बास्केट में लगाए, चाहे तो इसे गमले में लगाए, लेकिन जहाँ पर भी लगाए अधिक से अधिक धूप आए वहाँ पे इसको रखें। अभी तो इस पर सिर्फ दो फूल आ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी सारी बर्ड्स आ रही है। कुछ ही दिनों में ये पूरा भर जाएगा। अब मैं जो नेक्स्ट पौधा लेने वाला हूँ उसका नाम है गजेनिया। गजेनिया में भी आप देख रहे हैं काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, सेम वही चीज़ें हैं। आप इसको भी हैंगिंग में लगाए या बास्केट में लगाए या गमले में लगाए या चाहे डायरेक्ट ज़मीन में लगाए, लेकिन जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धूप आए वहाँ लगाए। अब चूंकि शाम हो चुकी है, सूरज ढलने वाला है, तो फूल बंद हो चुका है, लेकिन जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा ये फूल पूरी तरह से खिल जाएगा। ये फूल बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। अब हम आपको नेक्स्ट फूल के बारे में दिखाने वाले हैं जिसका नाम है वर्बीना। आप देख रहे हो कितना सुंदर फूल आ रहा है, कितने सारे कलर्स आए हुए हैं। ये सारे वर्बीना के फ्लावर हैं। सेम वही चीज़ है इसके बारे में भी, सर्दी सर्दी ये बहुत ब्लूम करता है। आप चाहे इसे गमले में लगाए, चाहे बास्केट में लगाए, चाहे तो इसे ज़मीन में लगाए, लेकिन जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धूप आए वहाँ लगाए। जितनी ज़्यादा धूप इन पर लगेगी उतने ज़्यादा ये खिलेंगे। अब हम आपको लेके आ रहे हैं विनका। विनका यानी कि आप कह सकते हो सदाबहार। इसमें भी मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के पौधे हैं। ये बहुत ही कम पानी का पौधा है, सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, बहुत जल्दी पानी नहीं चाहिए इनको, बहुत कम क्वांटिटी में पानी चाहिए, तो ज़्यादा पानी ना दे इनको। हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पानी दे। इसी टाइट मिट्टी रखनी है, इससे ज़्यादा लूज मिट्टी नहीं रखनी है। इससे ज़्यादा अगर पानी इसमें हो गया तो अंदर ही अंदर इसकी रूट्स गल जाएगी, जो आपको पौधे को फंगस लग जाएगी, पौधा खराब हो जाएगा। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। अगला पौधा है डेंटस। डेंटस में भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कितने सारे कलर्स हैं। ये भी डेंटस का पौधा है। आप चाहे इसे हैंगिंग बास्केट में लगाइए, चाहे तो आप इसे गमले में लगाइए, चाहे आप इसे ज़मीन में लगाइए, लेकिन जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धूप आए वहाँ लगाइए। अब आप देख रहे हैं कुछ पौधे सूखने लग रहे हैं, ये फूल सूख चुके हैं। आप चाहे तो इनकी कटिंग कर दीजिए, जहाँ से कटिंग करोगे वहीं से पौधा फैलने शुरू हो जाएगा और नए फूल आएंगे। अब हम आपको लेके आ रहे हैं अगले फ्लावर्स को। अगला फ्लावर है कैलेंडुला। कैलेंडुला में देख रहे हैं कितने प्यारे कलर का, ये ऑरेंज कलर का फ्लावर है, ये येलो कलर का फ्लावर है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट 3 से 4 कलर आते हैं। ये भी सेम आप चाहे तो इसे गमले में लगा सकते हो, चाहे सदा ज़मीन में लगा सकते हो। अब हम आपको ले रहे हैं जो सर्दी का सबसे सदा बहार पौधा, गुलदाउदी। गुलदाउदी आप देख रहे हैं मेरे पास ऑरेंज कलर में है, वाइट कलर में है, येलो कलर में है, रेड कलर में है, पिंक कलर में है। मेरे पास बहुत सारे कलर की गुलदाउदी है। गुलदाउदी एक फूल खिलने के बाद करीब 3 से 4 हफ्ते तक रुकता है। इस पे बहुत सारी बर्ड्स आती रहती है, सर्दी सर्दी में ये पूरा खिलता रहता है। सर्दी के बाद कुछ दिनों तक इसके फूल बंद हो जाते हैं। बीच में गर्मियों में बारिश में भी कुछ दिनों के लिए फूल आते हैं, लेकिन उस समय इसके फूल की लाइफ 3 से 4 हफ्ते नहीं होती है, 1 से 2 हफ्ते तक होता है। साइज भी थोड़ा सा छोटा हो सकता है, लेकिन अगले सर्दियों में आप इसको कटिंग कर दीजिए, सर्दी आने से पहले सर्दियों में ये फिर से भर जाएगा। अब हम आपको लेके आए हैं एस्टर। एस्टर पे आप देख रहे हैं कितने सारे कलर्स हैं। ये सारे पौधे एस्टर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर है। अब चाहे तो इन्हें ज़मीन में लगाओ, चाहे गमले में लगाओ, लेकिन जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धूप आए इनको वहाँ पे प्लेस कीजिए। अब हम आपको लेके आ रहे हैं एक और नए पौधे के बारे में जिसका नाम है डॉग फ्लावर। आप देख रहे हैं कितना सुंदर सुंदर कलर है। इसका नाम डॉग फ्लावर क्यों है? क्योंकि जैसे ही हम इसको इस तरीके से बीजते हैं इसका मुँह ऐसे खुलता है, बंद होता है। ये खुलता बंद होता है, इसीलिए इसको डॉग फ्लावर कहा जाता है। अभी भी कोई सा, क्योंकि शाम हो चुकी है इसलिए कोई पौधा ठीक से मुंह खोल नहीं रहा है, बंद नहीं कर रहा है। हम ट्राई करते हैं किसी दूसरे पौधे के लिए।
शायद उसका मुंह खुले या बंद हो, हम देखते हैं इसको। ये है येलो कलर, कितना क्यूट कलर आ रहा है, ये देखिए। नहीं दोस्तों, अभी ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये हम आपको फिर से एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि इसको डॉग फ्लावर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मुंह डॉग की तरह करता है। इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाओ, गमले में लगाओ, लेकिन जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धूप आए वहाँ लगाएं। अब हम आपको लेके आए हैं नेक्स्ट फ्लावर, बेगोनिया। बेगोनिया में तीन कलर आप देख रहे हैं, पिंक कलर है, रेड कलर है, वाइट कलर है। ये एक परमानेंट पौधा है, इसके तो पत्ते भी इतने खूबसूरत होते हैं, फूल ना हो तो भी बड़ा सुंदर लगता है। ये काफ़ी हाइट गेन कर लेता है, इसलिए आप इसे हैंगिंग बास्केट में ना लगाएं, आप इसे सिर्फ गमले में लगाएं या फिर ज़मीन में भी लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धूप आए वहाँ लगाएं। पानी बिल्कुल कम रखना है इसमें भी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।